अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के आदमीन के इंतखाब के लिए अभी अभी रानदादी अमल में आई और ये अमल अभी जारी है। इस साल 2018 के लिए कोटे में भी इजाफा किया गया है। सारे हिंदुस्तान के कोटे में जो 1,70,000 का था उसको 1,75,000 किया गया है। तो उस हिसाब से तेलंगाना में भी मुस्लिम माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स में इजाफा हुआ। 699 सीटों का इस मरतबा हमारे रियासत तेलंगाना के कोटे में इजाफा हुआ। जुमला जो दरख्वास्तें रियासत तेलंगाना में वसूल हुई थी वो 17,130 थी, जिनमें जो फ्रेश कैटेगरी थी जनरल वो थे 16,622 थे और जो रिजर्व कैटेगरी यानी कि 70 साल से ज़ायद उम्र के 508 दरख्वास्तें वसूल हुई। इसके अलावा 70 शीर खाद यानी कि इन्फेंट की उम्र 2 साल से कम है ऐसे बच्चे 70 दरख्वास्तें इनकी वसूल हुई। जुमला जो रियासत तेलंगाना को जो कोटा अलाट किया गया है वो 4,066 का कोटा है। रिजर्व कैटेगरी के 508 सीट मिला करने के बाद आज जो कुरानदादी हुई है वो 3,558 की कुरानदादी आज हुई है। ये सबसे ज़्यादा जो दरख्वास्तें हमको वसूल हुई वो हैदराबाद रियासत में हुई। 10,908 दरख्वास्तें हैदराबाद रियासत से हैदराबाद ज़िले से वसूल हुई। इसके अलावा सबसे कम जो दरख्वास्तें वसूल हुई वो जयशंकर भोपालपल्ली से 6 दरख्वास्तें जो कोटे से भी कम हैं उनकी 6 दरख्वास्तें वहाँ से वसूल हुई। जो भी आजमीन का आज कुरानदादी के ज़रिए इंतखाब होता है उनको बाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि पहली किस्त 31 जनवरी से कबल मेडिकल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट के साथ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में 31 जनवरी से कबल उनको दाखिल करना है। इंशाल्लाह ताला ये तमाम आजमीन की रवानगी जो 2018 के आजमीन है उनकी 11 जुलाई से शुरू होगी सारे हिंदुस्तान में और 13 अगस्त को ख़त्म होगी। उस दरमियान में रियासत तेलंगाना के आजमीन भी यहाँ से रवाना होंगे। रियासत तेलंगाना को ये इल्ज़ाम है कि हज कमेटी को रियासत तेलंगाना की न सिर्फ हमारे हैदराबाद इम्बारगेशन से न सिर्फ हैदराबाद के तेलंगाना के आजमीन रवाना होते हैं बल्कि रियासत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 5 अजला के आजमीन भी हैदराबाद इम्बारगेशन पॉइंट से तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की सरपरस्ती में वो रवाना होते हैं। इंशाल्लाह ताला इस मरतबा जो अरफात डे है जो अरफात का दिन है वो 20 अगस्त 2018 को अरफात है। तो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से यहाँ पर फॉर्म दाखिल करते हुए भी सारे इंतजाम किए गए थे। इंशाल्लाह ताला कुरानदादी के बाद से फौरी बाद सारी रियासत में हैदराबाद और सारे रियासत तेलंगाना में तरबियती इज्तिमात मुनाकिद होंगे जिसमें तमाम आजमीन को उलमा मनासिक हज के ताल्लुक से उलमा अपना बयान देंगे बताएंगे और उसी तरह हज कमेटी जो भी प्रोसेस होता एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता जो भी टेक्निकल मसाइल होते उससे हज कमेटी आजमीन को उसमें वाकिफ कराएगी। मैं जो भी मुंतखबा आजमीन है उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 जनवरी से पहले दाखिल करें और जो लोगों का खुराम ना आया वो मायूस ना हो क्योंकि और वेटिंग लिस्ट भी इसके बाद मुसलसल वेटिंग लिस्ट भी आती रहेगी इंशाल्लाह ताला तो उसमें उनका भी हो सकता है कि आप हो जाए। शुक्रिया।